स्वागत है दोस्तों एग्रीमेक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पावर टिलर और पावर वीडर के बारे में। पावर टिलर पहले से था और उसका डिज़ाइन जो हुआ था वो आपका जुताई के लिए और पडलिंग के लिए हुआ था, लेकिन कुछ साल हुआ है अभी पावर वीडर नया नया आया है और बहुत टाइप का आया है, मार्केट में आ रहा है। और उसका काम है कि दोनों लाइन सोइंग के बीच, आपके दोनों लाइन पौधों के लाइन के बीच का जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है, खरपतवार को हटाने के लिए और कुड़ाई खुसाई के लिए, उसके लिए वो यूज हो रहा है। तो किसान भाइयों अभी वो थोड़ा असमंजस में है, थोड़ा सोच रहे हैं कि दोनों में तो टाइम लगे हुए हैं, रोटरी लगे हुए हैं और काम लगभग एक तरह का कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग क्यों खरीदा जाए, तो एक को खरीद के दो काम किया जा सकता है। तो उसी सोच में किसान भाई है कि क्या खरीदें। तो उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि क्या खरीदें और कौन सा खरीदें, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से चीज़ों के को ध्यान में रख के ये फैसला लिया जाए कि पावर टिलर लें या पावर वीडर लें, और अगर पावर टिलर लें तो किस टाइप का लें और पावर वीडर लें तो फिर वो भी किस टाइप का लें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको फैसला लेने में आसानी रहेगा कि कौन सा खरीदें, ताकि बाद में कुछ दिक्कत ना हो या पैसों का बर्बादी ना हो। तो आपको अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो कर लीजिए और ये वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि पावर टिलर और पावर वीडर के बीच का अंतर क्या है, फ़र्क क्या है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किसका क्या काम है और किस चीज़ के लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि पावर टिलर और पावर वीडर में क्या डिफरेंस है। पहले तो वो क्यों बनाया गया था, पर्पज़ क्या है। पावर टिलर का पर्पज़ ये है कि आप उसमें जुताई कर सकते हैं और पडलिंग कर सकते हैं, मतलब उसका डिज़ाइन भी किया गया है इसी को नज़र में रख के। और पावर वीडर जो बनाया गया है उसका डिज़ाइन किया गया है इंटरकल्चर ऑपरेशन और वीडिंग के लिए, मतलब आपका खरपतवार के को हटाने के लिए और पौधों के दो लाइन के बीच उसको कुड़ाई खुसाई के लिए। टेक्निकली देखा जाए तो जिस टिलर में 8 HP तक का इंजन लगा हुआ है उसको पावर वीडर कहते हैं। पावर वीडर 8 HP तक इंजन पावर के साथ ही आता है, 8 HP से ज़्यादा हो तो उसको पावर टिलर कहते हैं, 9, 11, 10, 12, 15 तक भी है तो वो पावर टिलर कहते हैं। उसके बाद वेट में, वजन में बहुत ज़्यादा अंतर है इन दोनों में। पावर टिलर का वजन लगभग 4 से 5 क्विंटल का होता है, लेकिन पावर वीडर 100 से 120 तक हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। मैंने जितना भी स्टडी किया है मशीनों को लेके, एक एवरेज वैल्यू आपको दे रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाएँ, तुलना कर पाएँ कि क्या अलग डिफरेंस क्या है इनमें से। तो पावर वीडर से पावर टिलर लगभग 4 गुना ज़्यादा भारी है। पावर टिलर का रोटर का जो RPM है वो करीब करीब 180 तक है और पावर वीडर का 120 से 140 तक है। और कुछ कुछ पावर टिलर अभी आया है जिसमें रोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, 850-900 तक भी किया गया है, कुछ खास काम के लिए वो काम आता है। ये खास डिफरेंस है पावर टिलर और पावर वीडर में, उनका जो चौड़ाई है, विड्थ है, पावर टिलर का जो करीब करीब 700 mm तक का है, मतलब 27 इंच, 2.5 फुट से थोड़ा सा कम। और पावर वीडर में आप 10 इंच से लेके 5 फुट तक जा सकते हैं, उसका एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर लाइन स्पेसिंग है, पौधों के बीच स्पेसिंग है, कम है, 2.5 फुट से कम है, तो उसमें पावर टिलर नहीं जा सकता, लेकिन 10 इंच तक भी है, 12 इंच तक भी है, तो उसमें पावर वीडर जा सकता है। ये एक खास डिफरेंस है पावर टिलर और पावर वीडर में। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट, मतलब कितना मिट्टी को वो काटता है। पावर टिलर का जो टाइम है, उसका डिज़ाइन जो है, उसका पावर, वो सब को लेके पावर टिलर 4 से 6 इंच तक मिट्टी, 6 इंच अंदर तक पावर टिलर मिट्टी को जुताई कर सकता है। पावर वीडर उतना ज़्यादा कर नहीं पाता है, वो 2 से 3 इंच तक ही करता है। और जो वर्किंग स्पीड है, मतलब कितना स्पीड से वो आगे जाता है, पावर टिलर 1 से 1.2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है, पावर वीडर थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से चल सकता है क्योंकि काम उसका वर्कलोड हल्का है, 1.3 से 1.4 किलोमीटर पर आवर। कैपेसिटी, मतलब कितना काम कर सकता है एक दिन में या एक घंटे में, तो पावर टिलर अपने हिसाब से ज़्यादा
गहराई में, गहराई तक ज़्यादा चौड़ाई तक वो हिसाब करके वो 1 घंटे में आधा एकड़ तक जुताई कर सकता है, और पावर वीडर 1 घंटे में 0.25 मतलब 1/4 एकड़ करते हैं, तो पावर टिलर से पावर वीडर आधा काम कर सकता है। टायर साइज, पावर टिलर का टायर साइज लगभग पावर वीडर का टायर साइज से दोगुना होता है, तो उसके लिए उसका बैलेंस, स्टेबिलिटी और सब ज़्यादा है पावर वीडर के इस मुकाबले। और जैसे बोला था, डिजाइन के हिसाब से किया गया है। पावर टिलर में कई सारे टाइप का टाइन लग सकता है, सी टाइप, जे टाइप, एस टाइप, एल टाइप, और पावर वीडर में ज़्यादातर जे टाइप ही लगता है, कभी कभार एल और एस भी लग सकता है। और ये सबसे खास बात है किसान भाइयों के लिए कि पावर टिलर का प्राइस जो है वो लगभग लगभग 2 लाख के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, और पावर वीडर का भी वैसे 1 लाख के आसपास है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा अगर आप ज़्यादा पावर वाला लेंगे कि पावर टिलर के साथ कंपेयर करने के लिए, तो उसका प्राइस जो 1 लाख के आसपास होता है, तो कॉस्ट भी पावर वीडर का पावर टिलर से हाफ ही है। और ये एक चीज़ है आपको विचार करने के लायक कि पावर टिलर का जो कमांड एरिया है, कमांड एरिया मतलब कितना एरिया होगा, तो एक मशीन को रखने से नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, कॉस्ट बेनिफिट दिखाया जाता है कि हाँ इतना एरिया में ये अच्छे से काम कर पाएगा, फुल इसका यूटिलाइज हो सकता है। ज़्यादा होगा तो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ेगा, और कम एरिया होगा तो वो कम यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज होकर रह जाएगा, उस पर आपका लागत जो है वो अच्छे से नहीं रिटर्न दे पाएगा। तो कमांड एरिया पावर टिलर का 10 एकड़ है, 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो पावर टिलर रखना मुनासिब समझा जाता है, और 10 एकड़ से कम है तो पावर टिलर रखना मुनासिब नहीं है, उसमें पावर वीडर रखना चाहिए। तो आपको पता चल गया बेसिक डिफरेंस क्या है पावर टिलर और पावर वीडर के बीच में। अब आते हैं असली मुद्दे पर, तो क्या खरीदें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं कि ज़मीन कितने हैं आपके पास। देखिए पावर टिलर जो काम करता है, पावर वीडर थोड़ा बहुत तो कर सकता है, लेकिन पावर वीडर का जो ऑरिजिनल काम है इंटरकल्चर ऑपरेशन, खरपतवार को मारने के लिए और मिट्टी में मिलाने के लिए, वो आपके रो स्पेसिंग के हिसाब से कम है तो पावर टिलर उसमें नहीं जा सकता, इसीलिए पावर वीडर आपको रखना ही रखना है। तो 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आप सोच सकते हो कि जो जुताई का काम वो या तो रेंट में लेके पावर टिलर या रोटावेटर लेके कर सकते हो, और एक पावर टिलर वीडर खरीद सकते हो। और अगर 10 एकड़ से कम है तो एक ऐसे पावर वीडर खरीदो जो कि आपको जुताई के लिए और कभी कभी पडलिंग के लिए भी काम में आ सकता है, काम उसका काम भी हो सकता है। तो ज़मीन के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं सॉइल टाइप, मतलब आपका मिट्टी किस तरह का है। तो देखिए पावर टिलर तो किसी भी मिट्टी में अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन पावर वीडर अगर आपका मिट्टी रेतीला है, वो हल्का माना जाता है, तो उसमें पावर वीडर अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन अगर चिकना है, चिकना मिट्टी, उसमें पानी कम हो जाता है तो हार्ड हो जाता है, उसमें पावर वीडर अच्छे से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका पावर भी कम है, टाइन का डिजाइन भी थोड़ा अलग है, तो उसमें कूद के चला जाएगा, जिस गहराई से आपको जुताई चाहिए उस गहराई से वो कर नहीं सकता। तो सॉइल टाइप अगर हार्ड है तो आप ये सोच सकते हो कि एक डीजल इंजन वाला पावर वीडर लिया जाए, और थोड़ा हायर HP का लिया जाए, मतलब 8 HP तक का लिया जाए, ताकि, क्योंकि डीजल इंजन हम क्यों बोल रहे हैं कि डीजल इंजन का वजन जो है वो पेट्रोल इंजन से लगभग 20-25% ज़्यादा है, तो पावर वीडर का वेट भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा वेट रहेगा तो थोड़ा दब के चलेगा, तो मिट्टी को भी थोड़ा गहराई तक वो काट सकता है। तो अगर मिट्टी हार्ड है आपका, चिकना है, तो आप डीजल इंजन वाला पावर वीडर ले सकते हो। अब आते हैं क्या क्रॉप करते हो आप। देखिए क्या क्रॉप करते हो का मतलब है कि उसका रो स्पेसिंग क्या है, लाइन टू लाइन का चौड़ाई कितना है, उसके अंदर जिसके अंदर ये मशीन चलना है वो कितना है। अगर आप वेजिटेबल कर रहे हो, सब्जी कर रहे हो, तो ज़्यादातर सब्जियां 1-1.5 फुट के रो स्पेसिंग से होता है, तो 1-1.5 फुट के बीच में आपका ये चलना चाहिए वीडर। तो इतना छोटा वीडर आपको मिलेगा तो वो पेट्रोल इंजन का होना चाहिए। पेट्रोल इंजन में क्या है कि क्योंकि इंजन हल्का है और उसमें वाइब्रेशन कम होता है, तो चलाने में आसानी रहता है और कंधे पे लोड भी नहीं पड़ता, कम पड़ता है। तो अगर आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी का खेती कर रहे हो किसी भी, तो आप पेट्रोल इंजन वाला पावर वीडर लीजिए, और आपके रो स्पेसिंग से हिसाब से अगर 1 फुट का अंतर है तो वो छोटा सा 2 HP या 5 HP तक आप ले लीजिए, और अगर थोड़ा और बड़ा है तो 8 HP तक भी आप वीडर ले सकते हो।
उसके बाद आते हैं हम आपका और क्या क्या काम चाहिए उस पावर वीडर से, जैसे उसमें और कुछ अटैचमेंट्स आपको चाहिए होगा जैसे रीजर या सीड ड्रिल या पानी पंप। तो आप देख लीजिए कि उस पावर वीडर में जो आप ले रहे हो उसमें वो अटैचमेंट के लिए सुविधा है कि नहीं। कभी कभी वो PTO भी जरूरी होता है, तो PTO शाफ्ट है कि नहीं, अगर है तो फिर आप वो पंप चला सकते हो। और उसी हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि पावर वीडर कौन सा ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये काम का रहेगा। फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ खास चीज़ के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि हम उसको बना के आपके लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।